रेवाड़ी में बैंक में चोरी करने में नाकाम रहे चोरों ने बैंक को आग के हवाले कर दिया। आग में बैंक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल रेवाड़ी के गांव काकोड़िया के सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में रात में चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर सेंध लगाई और लॉकर तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद लॉकर ना टूटने की सूरत में चोरों ने बैंक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक सुबह लोगों को पता चला कि बैंक में आग लगी है, तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर बैंक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। बैंक मैनेजर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद साफ हो जाएगा कि बैंक में किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और चोर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखो सर, सीसीटीवी और जो बाकी हैं उन चीज़ों से लगता है कि सब कुछ पकड़े जाएंगे, तो सीसीटीवी वगैरह में पूरे में हमारा कवरेज था, तो संभावना ये है कि सब कुछ साफ हो जाएगा। कितना कुछ नुकसान हुआ रिकॉर्ड वगैरह के अपने? सर मुझे कोई खास नहीं लगता, क्योंकि रिकॉर्ड वाली चीज़ें हमारी सेफ हैं, सब कुछ अंदर होती है, जो सेफ वगैरह में, और सेफ हमारी सबसे ठीक है। हमें सुबह सूचना मिली कि काकोड़िया जो बैंक है इसमें आग लगी है, तो उसके बाद में मौके पर पहुँचे तो इसके पीछे की दीवार तोड़ के कोई नामालूम मुजरमान अंदर घुसे हैं और उन्होंने सेफ को तोड़ने की कोशिश की है, सेफ को नहीं तोड़ी तो उन्होंने आग लगाई है। मौके से हमें एक खाली बोतल मिली है और ग्लोव्स, जिसमें बोतल में इस पेट्रोल की समय लाई। तब क्या मामला दर्ज किया गया? अभी FIR दर्ज करेंगे, बैंक के अधिकारी जो है उनसे पता करके सारे मामले। सर तो लूट का नुकसान वगैरह क्या हुआ? आग से काफ़ी नुकसान हो गया है उनके कंप्यूटर वगैरह, और जो उनका रिकॉर्ड था वो भाग रखा हुआ था। पुलिस काफ़ी अभियान चलाती है अपराध को रोकने के लिए, लेकिन अपराधी उससे भी चार कदम आगे निकलते, क्या कहें? अपराधियों को पकड़ने के लिए हम इसमें भी कामयाब होंगे और इसका भी शीघ्र ही खुलासा होगा।